ये गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आप सभी का स्वागत है दिल से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बाबू को हमने नहला दिया है। अब बाबू हमारी बैठी है और आज बाबू को पीटे हैं क्योंकि बाबू आज दूध नहीं पी रही थी तो उनके गाल में चट चट दो बार मारे हैं। देखो कह रही चट चट, पानी भर के पी रही है। तो मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा, क्या होता है ना बच्चों को कभी कभी डांट के साथ, दुलार के साथ, प्यार के साथ कभी कभी तो मार भी देना चाहिए। वैसे मारने लायक तो नहीं है लेकिन क्या करूँ, इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना। ये लड़की, मैं दूध पिला रही थी, दूध नहीं पी बल्कि पैर से मार दी, दूध गिर गया। तो इनको ऐसे चट्टे से मारे, तब से लेके कभी मार नहीं खाती ना इसके लिए, तब से लेके करीब आधे घंटे से कंटिन्यू रो रही थी। तो उसके बाद इनके पापा को वीडियो कॉल किए तो पापा इनको बोले बाबू डीजे इधर उधर थोड़ा सा बहलाया फुसलाया, तब थोड़ा सा शांत हुई। और उसके बाद मैंने कहा चलो पानी, मम मांग रही थी तो बॉटल में भर के दे दिया, पी रही है। और पापा चले गए इनके सुबह ही 11 बजे, अभी 12:05 बाकी है तो वो सुबह ही चले गए थे। और कभी उनका नाइट ड्यूटी रहता है तो कभी डे रहता है, तो ज़्यादातर उनका नाइट शिफ्ट होता है, मॉर्निंग का कभी कभी होता है। तो 2 दिन से वो मॉर्निंग कर रहे हैं और अपना नहा धो के चाय वाय पी के पूजा करके चले गए। मैं अभी नहीं नहाई क्योंकि कल से ही मेरा बहुत ज़्यादा, मुझे कुछ हुआ नहीं है, बस मेरे ना बदन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, खासकर घुटने में। कल भी मैं घुटने से बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत तेज़ घुटने में दर्द हो रहा था। और पति देव के ब्लॉग में आपने देखा होगा, क्योंकि मैं ब्लॉग इसलिए नहीं बना रही थी, मेरा तबीयत नहीं सही था और मेरा दर्द, मतलब मेरा घुटना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो हमने कहा चलो। और आप लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि दीदी आप, मतलब एक ना कल मैं, पता है आपको मैं बताऊं, आधा ब्लॉग 5 मिनट का मैं शूट की थी, मेकअप का सामान था क्योंकि किसी का कमेंट आया था कि दीदी आप ना मेकअप में क्या यूज करती हैं, मुझे प्रॉपर ब्लॉग बना के दिखाइएगा मेकअप में, फाउंडेशन काजल सब कुछ लेके। तो बाबू पानी पी पी के भिगा भी लिए थोड़ा सा, और यहाँ पर मेरा भी भीग गया क्योंकि मैं बाबू को दूध पिला रही थी ना तो थोड़ा सा दूध यहाँ पर गिर गया था। तो मैं इसको कपड़े से, मतलब भिगा के, तो कपड़ा भिगा के उससे साफ़ किया। बाबू नहीं बाल मत खींचो, तो चलते हैं बेडशीट वगैरह चेंज कर देते हैं और दूसरा बेडशीट लगा देते हैं क्योंकि बच्चा है, 2-3 दिन पे चेंज करते हैं। लेकिन आज 2 दिन पे नहीं किए हैं, ये करीब 4-5 दिन हो गया मेरे हिसाब से। तो चलो पहली बार, मतलब पहली बार क्या, बहुत दिनों बाद 4-5 दिन तक बेडशीट हम लगाए, नहीं तो हमेशा हम ज़्यादातर हटा ही देते हैं, 2 दिन से ऊपर नहीं जाता है। देखो क्या बक 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 कर रही है, क्या बोल रही हो बेटा, क्या क्या, अरे दे दे, पता नहीं क्या बोली भी। हाँ नमस्ते करो, नमस्ते नमस्ते, अरे दे दे। तो चलो कोई नहीं, अभी उसका मूड नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ गई हूँ बेडशीट लगाने, क्योंकि आप सभी को पता है बच्चा है घर में तो थोड़ा सा, एक तो बाबू की हमारी आदत बहुत बहुत ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ अच्छा है या बुरा है, ये ना क्या करती है बेडशीट को ना उठा के अपने सर पे ओढ़ के खेलती है। तो बच्चा है, मैं सोचती हूँ अच्छा भी लगता है और थोड़ा सा गुस्सा भी आता है कि मैं बार बार ठीक करती हूँ और ये बिगाड़ देती है। तो यहाँ पर देखें राउंड 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 कर रही है बेड पर। अभी मैं गाना भी लगा दूँगी तो ये डांस करेगी और मेरे को ना धक्का दे रही है, बहुत शरारती हो गई मेरे। अब इनके पापा रहते हैं तो इनको संभालते हैं तो मैं करती हूँ। अब ये देखो मैं बेडशीट लगा रही हूँ तो बेडशीट के ऊपर ही आके खड़ी हो जा रही है, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ वहाँ ये भी आएगी। तो कोई नहीं, बच्चा है, थोड़ा परेशान भी करती है और अच्छा भी लगता है, बदमाशी भी करती है। तो यहाँ पर गाइस आप लोग बोल रहे थे डेली रूटीन दिखाओ, तो एक ही ब्लॉग में गाइस डेली रूटीन दिखाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और हमारे पास इतना समय भी नहीं होता है कि हम आपको प्रॉपर एक एक चीज़ दिखाएं। हाँ कभी ऐसा होगा तो हम 2-3 पार्ट में करके दिखा देंगे या एक ही ब्लॉग में बड़ा सा ब्लॉग बनाएंगे दिखा देंगे। मैं चाहती हूँ ना कि आप लोग इतना भी बड़ा ब्लॉग मत देखो कि आपको बोरिंग लगे। तो यहाँ पर बेडशीट वगैरह हमारा पूरा अच्छे से लग गया है, उसके बाद मैं यहाँ पर झाड़ू लगाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर सारा कपड़ा मैं लेके जा रही हूँ धोने के लिए, मैंने और कपड़े कल रात में ही धो के डाल दिए थे और पति देव ने भी डाला था, आपने उनका ब्लॉग देखा होगा तो जाके देखिएगा। तो यहाँ पे झाड़ू मार रही हूँ, उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा क्योंकि पति देव का मॉर्निंग रहता है तो मुझे बहुत जल्दी जल्दी करना होता है, सुबह उठ के उनके लिए चाय वगैरह बनाना, बस झाड़ू पोछा करके मैं उनके लिए डायरेक्ट चाय बनाती हूँ। तो उसके बाद जब वो चाय पी के चले जाते हैं तब मैं आराम से एक एक काम करती हूँ, फिर से झाड़ू पोछा। बाबू, जैसे मैंने पहले ही बताया कि बाबू दूध गिरा दी थी, कभी कभी कुछ और गिरा देती है तो मुझे दोबारा तिबारा
करना पड़ता है झाड़ू पोछा। घर में जहाँ बच्चे होते हैं तो थोड़ा सा झाड़ू पोछा ज़्यादा हो जाता है, तो जब जब उनका मॉर्निंग का रहता है तो मुझे बहुत जल्दीबाजी में काम करना पड़ता है, नाइट रहता है तो मुझे आराम रहता है। तो गाइस हम नहा के इधर आ गए और बाबू को देखिए क्या कर रही है, मस्ती कर रही है। हाँ 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 देख रहे हैं, हाँ 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 अपना भी कह रही है, हाँ 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 हाँ। तो अपना राइम्स देख रही है और मैं चली गई थी नहाने तो कपड़े भी सूख गए हैं, तो चलिए कपड़े वगैरह भी फोल्ड कर देते हैं उतार के। और मैं अभी को नहा कर आई हूँ, मैंने कहा चलो कपड़े और किचन में भाई कुछ देखें कपड़े उतार देते हैं, अभी और भी कपड़े उतारने हैं। तो किचन भी देखिए कुछ में कुछ है नहीं, दो है इसमें और क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है अभी देखते हैं। कुछ बनाना तो नहीं, अभी सब्जी वब्जी है, बाबू के लिए थोड़ा बहुत बना दूंगी मैं। क्या बनाऊँ बाबू, बाबू मेरी कुछ खाती नहीं है ना इसलिए बनाने का मन नहीं करता है। चलो फ्रूट्स कट कर लेती हूँ। अरे मम्मी तो मैं गाइस पपीता खाती हूँ क्योंकि मेरे को मैं पता है डिलीवरी में ही डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि पपीता ज़्यादा से ज़्यादा खाया करो, लेकिन मैं नहीं खाती थी, अब खाऊंगी। तो निकाल लेते हैं पपीता, देखिए आधा मैंने कट करके रखा है क्योंकि मैं कल मैं और पतिदेव खाए थे और उसके बाद। तो गाइस मैंने यहाँ पपीता भी कट कर लिया है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही लिया है क्योंकि नीचे के साइड ना थोड़ा सा कच्चा था, तो हमने कहा चलो जहाँ का पका हुआ है भैया वहाँ का कट कर लेते हैं। बाबू ये खाओगी, पपाया खा लो, लो पपाया नहीं खाएगी, मैं खा लेती हूँ। देखो मुझे खिलाएगी, इसको खुद नहीं खाना है, ये बस मुझे खिलाने के चक्कर में रहती है और जो नहीं खाएगा ना वो गुस्सा हो जाती है, मम्मा खिलाए देखो। मैं बोलती हूँ आप खाओ, नहीं आप अपना नहीं खाएगी, मेरे को खिलाएगी। आप खा लो बेटा, देखो आप भी तो खाओ, बस मुझे खिलाने के चक्कर में है। देखो मैं बोलूँ कि मैं नहीं खाऊंगी, देखो नहीं मम्मा नहीं खाएगी। नो आप खाओ, जबरदस्ती मुंह में डाली दो, अच्छा नहीं खाएंगे गुस्सा हो जाएगी। बेटा मुंह में है, आराम आराम से खिलाओ। तो गाइस घड़ी में देख सकते हैं 1 बज रहे हैं, दो तीन बजेगा ना तब इनका सोने का टाइम हो जाएगा, तब तक हम कपड़े वगैरह फोल्ड कर ले। अभी खा रहे हैं बेटा, जब तक इसके पास नहीं खिलाती रह मैं। पिंपल निकलने है, कोई नहीं पिंपल उम्पल निकलते रहते हैं, सही हो जाएगा। और गाइस मैंने ना मैं गई थी मार्केट और मैंने मार्केट में क्या क्या शॉपिंग किया है वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, ये वाले ब्लॉग में नहीं, क्योंकि ये वाला ब्लॉग जो है बड़ा हो रहा है। नीचे आइसक्रीम आया, आइसक्रीम हम लोग बच्चों में ना ये वाली घंटी बजती थी तो मैं हम लोग समझ जाते थे कि आइसक्रीम आया, आइसक्रीम के लिए दौड़ जाते थे। तो चलिए गाइस ये वाला ब्लॉग हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कच्चे और नेक्स्ट वीडियो में।